Hello everyone, welcome back to the Enigmatic Girl. How are you? I hope you guys are safe and sound at your places. सब कुछ ठीक है एंड इफ कुछ ठीक नहीं है तो डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा. तो आप सब लोग सोच रहे हो कि मैं इतना कैजुअली और ऐसे यू नो क्यों हूँ, तो इट हैज़ अ रीज़न बिहाइंड. अभी मैं जस्ट बाहर से आई थी एंड आई वॉज जस्ट गोइंग टू टेक अ शावर. आई हैव टू डू माई हेड वॉश. तो आई थॉट कि क्यों ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट ट्राई करें एंड लेट्स डू इट ऑल टुगेदर. सो हियर आई हैव दिस शैम्पू एंड कंडीशनर फ्रॉम ट्रूथसम. दिस इज अ क्लीन ब्यूटी ब्रांड एंड फर्स्ट इंटरनेट ब्रांड फ्रॉम केल्विन केयर. तो केल्विन केयर इज एज यू नो अ वेरी वेरी ट्रस्टेड यू नो कंपनी व्हेन इट कम्स टू पर्सनल यूज थिंग्स और इक्विपमेंट्स एज वेल. तो I am very excited to try these two things. और क्योंकि I am experiencing a lots of dandruff and itchiness, तो I tried their, you know, anti-dandruff range. It has anti-dandruff properties. इनके इतनी सारी ranges हैं, talking from you know nourishment to color to 5-in-1 shampoo to you know moisturization. इतने सारे शैम्पू और कंडीशनर की रेंज है कि भाई मैं तो पहले कंफ्यूज ही हो गई थी कौन सा लूँ. देन आई थॉट कि अभी मुझे डैंड्रफ इश्यूज हैं तो आई शुड गो फॉर इट. सबसे पहली चीज़, इट्स अ क्लीन ब्यूटी ब्रांड. क्लीन ब्यूटी मीन्स, अब आजकल बहुत सारे क्लीन ब्यूटी ब्रांड्स हैं मार्केट में. इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेंड कि एक यू नो एक ब्रांड ने लॉन्च किया तो दूसरा भी एक क्लीन ब्यूटी रेंज निकालेगा. बट क्या सारे एक्चुअल में होते हैं? यू नो आई हैव अ डाउट ऑन दिस. बट फॉर ट्रूथसम I am much satisfied with this. क्योंकि यहाँ पे clearly लिखा है, you can see, see, it's written here that it's sulfate, paraben, you know, silicone and phthalates free. So मतलब ये सब चीज़ें इतनी essential है एक brand के लिए, और as an individual we should be aware कि हम क्या product अपनी skin पे apply कर रहे हैं और क्या नहीं. So first of all, going by this shampoo, look कितनी प्यारी packaging है. Such a minimal packaging you will get here. Or this is the bottle and abhi sealed hai. I'm just going to open it and then I'll show you texture shots as well. Kaisa texture hai dono ka. Sabse unique cheez isme mujhe lagi, that is white pepper. Usually shampoos mein aur you know skincare hair care products mein white pepper hota hi nahi hai. अब वाइट पेपर करता क्या है? एज आई टोल्ड कि मुझे डैंड्रफ के इशू थे, मुझे बहुत इचीनेस हो रही थी स्कैल्प पे. यू नो यू फील की द स्कैल्प स्केचिंग इची नॉट गुड एंड सो. तो वाइट पेपर उन सब चीज़ों पे काम करता है. स्कैल्प की इचीनेस को, जो भी स्कैल्प में ड्राइनेस है डैंड्रफ है, उसे ख़त्म करता है एंड उसके बाद आपकी स्कैल्प को रीजेनरेट करता है ताकि एक अच्छी हेल्दी स्कैल्प हो. और स्कैल्प अच्छी होगी तभी तो बाल अच्छे होंगे. सो लेट्स गो बाय दिस शैम्पू. अभी मैं इसे जस्ट अप्लाई करूँगी, वॉश करूँगी सब कुछ आपके साथ. सो लेट्स डू दिस. तो इट हैज़ एवोकाडो ऑयल और वाइट पेपर. एवोकाडो ऑयल बहुत असेंशियल होता है नरिशमेंट और यू नो मॉइस्चराइजेशन के लिए. वेयर एज वाइट पेपर, जैसे मैंने बताया कि आपकी इचीनेस को कंट्रोल करता है. तो इसमें सब डायरेक्शंस लिखे हुए हैं. डायरेक्शंस जस्ट लाइक अ नॉर्मल शैम्पू. यू जस्ट हैव टू वेट योर हेयर गीले वालों पे. थोड़ा सा अपना लेंथ के हिसाब से आप शैम्पू लीजिए, अच्छे से लेदर कीजिए. जब आपको लगे कि प्रॉपर झाग बन गई है, मसाज कीजिए एंड वॉश कीजिए. इट्स सो इजी. तो आई क्विकली डू इट और लेट्स गो बाय द कंडीशनर नाउ. इसमें भी एवोकाडो ऑयल और वाइट पेपर है, मतलब दोनों में सेम बेनिफिट्स मिलेंगे. तो इसमें कोई फ्लेक्स आपको नहीं मिलेंगे और इचिंग को रिमूव करता है. और इसके डायरेक्शंस हैं, आपको इवनली लगाना है अपनी पूरी लेंथ पे और 2 मिनट के लिए रखना है. यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ जस्ट लाइक अ नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर. तो ये था सब कुछ लगाने का प्रोसीजर. अब मैं फटाफट से आपको टेक्सचर शॉट दिखाती हूँ और मैं खुद लगा के आती हूँ. सो आई जस्ट कम बैक आफ्टर वॉशिंग माई हेयर. लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है. अभी यू कैन सी मेरे बाल बहुत गंदे हैं, मैंने ऑयल भी लगाया हुआ है. तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ यू नो नरिशमेंट. मैंने ऑयल इसीलिए लगाया था कि बाल बहुत ख़राब हो चुके थे. तो अब देखते हैं शैम्पू या कंडीशनर इस चीज़ पे काम करता है कि नहीं. लेट्स डू अ क्विक चेक. सो हियर गोज द टेक्सचर शॉट्स फॉर द शैम्पू एंड द कंडीशनर. दिस एंटी डैंड्रफ रेंज हैज गिवन मी वेरी हाई होप्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी. द शैम्पू इज़ वेरी ग्रेट एंड has a great consistency as well.
Also, the conditioner is very thick, very creamy, and it is a great thing to have such conditioner on my hair. I'm going to try. So, how do I look? Or I should say, how do my hair look? See, kitne acche lag rahe hain. And you know, I really like one thing ki shampoo jo hai, it has a very great consistency. Bahut creamy hai, bahut transparent hai, and it is very good. शैम्पू का मुझे एक पार्ट बहुत बहुत पसंद आया दैट इट लेदर्स सो वेल. जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है एंड इट विल यू नो इट वुड बी इनफ फॉर ऑल ऑफ योर हेयर. तो आई वुड रिकमेंड अपने रेगुलर शैम्पू से हाफ क्वांटिटी लेना क्योंकि उतने में हो जाएगा. एंड कंडीशनर इज जस्ट सो थिक, सो क्रीमी, सो वेल. प्लस इसमें एवोकाडो ऑयल, टी ट्री ऑयल, वाइट पेपर एंड यू नो इट हैज सो मच असेंशियल थिंग्स. और इतनी न्यूट्रिशनल है कि यू कैन सी मेरे बाल, सी कितने स्मूथ है. आई हैव जस्ट यू नो वॉश माई हेयर. मैंने कुछ ड्रायर या कुछ वो सब नहीं किया. इट इज जस्ट नेचुरल, सी. और कितने स्लीक लग रहे हैं क्योंकि यूजुअली मेरे साथ क्या होता है, ड्यू टू लेंथ मेरे साथ ये होता है कि कंडीशनर लगाने के बाद भी मेरे बाल थोड़े मेसी रहते हैं, लाइक दे हैव यू नो फ्रिज और समथिंग. बट सी हाउ क्लियर, हाउ स्मूथ. आप आराम से इसमें अपनी फिंगर्स भी रब कर सकते हो. यू कैन जस्ट डू इट सो वेल. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई ट्रूथसम्स एंटी डैंड्रफ रेंज बिकॉज इट इज सो वेल. ऑल्सो दिस शैम्पू एंड दिस कंडीशनर इट इज अ लाइफ सेवियर एंड आई वुड रियली मीन इट. इतना अच्छा रिजल्ट एक वॉश में बहुत कम शैम्पू से मुझे मिला है. आई हैव ट्राइड मैनी शैम्पूज and on my personal recommendation you guys need to try this out. बिल्कुल मत भूलना, गलती से भी गलती मत करना इसे ना लेने की, इसे छोड़ने की. इसमें बहुत सारी रेंजेस हैं, नरिशमेंट, मॉइस्चराइजेशन, 5-in-1 एंड स्पेशली कलर की भी रेंजेस हैं जो कि कलर ट्रीटेड हेयर्स या आपके ट्रीटेड हेयर्स पे काम करती है. तो अगर आपको डैंड्रफ इशूज है देन यू कैन गो फॉर दिस. अगर कोई और इशू है तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर कंसर्न. तो आई एम लविंग माई हेयर एंड आई होप आप लोग भी देख पा रहे हो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी. तो इट वुड बी ग्रेट, आई वुड लव कि आप भी वो सब करो एंड लुक सो ग्रेट. जस्ट वन स्वीप शॉट एंड इट्स ऑल डन. इट इज सो वेल, मतलब आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम रनिंग माई फिंगर्स. आई जस्ट लव प्लेइंग विद माई हेयर राइट नाउ. तो मैं जाती हूँ अपने बालों के साथ खेलती हूँ, मजे करती हूँ. आप जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन में, सब पढ़ो, चेक करो एंड देन अगर कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना है तो लेट्स डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, एनीवन यू वुड लाइक टू. एंड मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब बटन एंड ड्रॉप इन योर व्यूज एंड लाइक्स. सो बाय बाय, टेक केयर.